हे एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट कार्डबोर्ड पे हम लिप्पन आर्ट कैसे बनाते हैं। और इस वेस्ट कार्डबोर्ड पे जो राम सीता जी की ड्राइंग है वो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है वीडियो, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने उस वेस्ट कार्डबोर्ड पे थोड़ा सा आउटलाइन बना लिया जहाँ मुझे लिप्पन का जो क्ले होता है वो पेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ मैंने क्ले लिया है जो हार्ड और बेस ऑलरेडी मिली हुई है, और थोड़ा सा मैंने टैल्कम पाउडर हाथ में लिया है ताकि वो हाथ में चिपके नहीं। और धीरे धीरे करके मैं उसे रोल कर रही हूँ। जितनी मोटी आपको उसकी रोल चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने हाथों से किया है। फॉर्म शीट एक्चुअली यूज़ इसलिए किया है ताकि वो अच्छे से इक्वल में हो सके। फिर यहाँ पे मैंने फेबिकॉल यूज़ किया है पेस्टिंग के लिए, क्योंकि फेबिकॉल जो होता है ना वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पेस्ट करता है। प्लस मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ करी है। पेंसिल इसलिए यूज़ करी है ताकि उसका जो शेप होता है ना वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, परफेक्शन आए। मैंने यहाँ पे दो तीन लाइन बनाई है, पहली हो गई, फिर दूसरी और तीसरी। ये तीनों स्टेप्स मैंने सेम टू सेम जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही बनाई है। और इसे आप ड्राई होने के लिए मिनिमम 12 टू 13 आवर्स जरूर छोड़ेंगे, तभी वो अच्छे से ड्राई होगा। और ड्राई होने के बाद ही आप एक्रेलिक कलर को यूज़ करेंगे। ड्राई होने से पहले आप क्या करना कि आपको अगर इस जो पैटर्न हमने बनाया है लिप्पन आर्ट से उसमें अगर कुछ भी डिज़ाइन देनी है तो आप इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो मैं दिखा रही हूँ उसको यूज़ कर सकते हैं, या ये पैलेट हो गया, या स्केल हो गया, वो कटर हो गई हो। क्योंकि आप अगर कोई भी मटेरियल लिप्पन आर्ट का जो स्पेशली आता है वो नहीं भी लेंगे तो घर में इतनी सारी चीज़ें होते हैं ना, उससे ही आप डिज़ाइन को या पैटर्न को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल भी यूज़ करी है इस स्पॉटेड वाले पैटर्न को बनाने के लिए, और ये स्पेशली मंडला आर्ट बनाने के लिए ये सब टूल्स जो होता है वो यूज़ आता है। तो नॉर्मली आपके पास ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसके जगह पे पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। आगे पे आपको दिख रही होगी कि मैं यहाँ पेंसिल भी अप्लाई करी हूँ। जब आप कोई भी पैटर्न या टेक्सचर बनाते हैं ना तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है जब भी हम इसके ऊपर कलरिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, इससे पहले मैं काली माँ की बनाई थी तो उसमें मैंने ब्लैक और गोल्डन का टेक्सचर दिया था, वो बहुत ही सुंदर आ रहा था जब उसमें कलर हुई थी। तो इसी तरह मैं इसको एक्रेलिक कलर में जो अप्लाई करने वाली हूँ, ड्राई होने के बाद ही एक्रेलिक कलर कीजिएगा। तो नॉर्मली मेरा रेड और ब्लैक मिक्स करके मैं मरून कलर बनाने वाली हूँ, और नेक्स्ट डार्क ग्रीन होगा, और फिर अगेन रेड कलर होगा। ये सारे कलर हम इसके बैकग्राउंड में करने वाले हैं। लिप्पन आर्ट जो बनाने के मैंने क्ले आपको शुरुआत में दिखाई थी, जरूरी नहीं है कि आप भी वही यूज़ करो। अभी क्या नॉर्मली जो हार्डवेयर का शॉप में और एक क्ले आती है जो हार्ड और बेस दोनों अलग अलग आती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये जो ऊपर जो मैंने क्ले से जो डिज़ाइन बनाई उसको हम वाइट एक्रेलिक कलर भी करेंगे ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग दिखे। क्योंकि देखिए आप कलर जब मैंने बैकग्राउंड में डाला है तो उसके वजह से थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ मैं अगेन मंडला के टूल्स यूज़ कर रही हूँ स्पॉटेड के लिए। तो अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे फिर से पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ बैक साइड को यूज़ करके, और डॉटेड बनाने के बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स बना रही हूँ, वो भी पेंसिल के फ्रंट साइड में, उसको नीब जो होती है ना पेंसिल की उसकी पॉइंटेड करके। तो ये पैटर्न इतना खूबसूरत दिख रहा था ना कि वाह, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये लिप्पन आर्ट ट्राई करने में। अगर आपके पास MDF बोर्ड ना हो ना तो वेस्ट कार्डबोर्ड इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। मतलब कुछ भी अगर बनाना हो, क्राफ्ट बनाना हो या लिप्पन आर्ट बनाना हो, तो आप सभी चीज़ें इससे बना सकते हो। नेक्स्ट इसमें अब बारी आती है मिरर पेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि लिप्पन आर्ट बनाया तो मिरर पेस्ट नहीं किया तो फिर क्या बनाया। तो यहाँ मैं मिरर पेस्ट कर रही हूँ, ये हमारा ओवल शेप का होगा, और ये जो मैं पेस्ट कर रही हूँ ना वो ईयरबड के हेल्प से कर रही हूँ। ईयरबड को आप क्या करना ना, थोड़ा सा फेविकॉल लगा के थोड़ा ड्राई करने के बाद उसके हेल्प से पेस्ट करोगे ना तो ईजिली काम हो जाएगा। फिर मैंने ऊपर के पार्ट में ट्राइंगल शेप बनाई हूँ, दो ट्राइंगल शेप को पेस्टिंग करी है और थोड़ा सर्कल वाला, और फाइनली ये बहुत ही सुंदर भी दिख रहा था। आप इसको जरूर से जरूर बनाना और मुझे फ़ोटो भी शेयर करना और कमेंट करना कि ये कैसी दिख रही है आपको या कैसा लगा इसे बनाने में।
मिरर पेज कंप्लीट होने के बाद मैंने बैक साइड में ग्लू गन के हेल्प से थ्रेड लगाया, क्योंकि मुझे ये हैंग करना था, तो मैंने इसे अपने मेन डोर है ना उसके बाहर ही हैंग किया, और बहुत ही सुंदर भी दिख रहा था और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कमेंट करो ज़रूर करना और मेरे बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे मेरी नई नई वीडियो की अपडेट्स है ना आपको मिलती रहेगी। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नई नई आइडिया के साथ, एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।